यार्स से भी ध्वंसक मिसाइल बना रहा है रूस। मिसाइल फोर्स कमांडर जनरल सर्गेई काराकाएव का दावा, 2023 में मोबाइल मिसाइल प्रणाली विकसित करेगा रूस। 17 दिसंबर को मिसाइल बल दिवस बना रहा है रूस। क्या रूस बड़ी विध्वंसक तैयारी में जुट गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि रूस यार्स से भी विध्वंसक मिसाइल बना रहा है। इस तरह का दावा किसी और ने नहीं बल्कि रूसी मिसाइल फोर्स के कमांडर जनरल सर्गेई काराकाएव ने किया है, जिनके मुताबिक 2023 में रूस मोबाइल मिसाइल प्रणाली विकसित कर लेगा। बता दें, 17 दिसंबर को ही रूस मिसाइल बल दिवस मना रहा है। मतलब बिल्कुल साफ है, भले ही जंग को 10 महीने बीतने को है, लेकिन रूस के हौसले पस्त होने का नाम नहीं ले रहे। यूक्रेन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। घातक और नए हथियारों की जोर आजमाइश इसी का हिस्सा है। सैन्य एक्शन में तब और तेजी आई जब से पुतिन ने डायरेक्ट मॉनिटरिंग शुरू की। लेकिन सच तो ये भी है कि यूक्रेन में रूस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब एक वीडियो सामने आया, इसे रूसी टैंक पर यूक्रेन मिसाइल अटैक कर रहा है। यूक्रेन के हमले में रूस के 3 टैंक तबाह और बर्बाद हो गए। यानी जंग के मैदान में लगातार जोर आजमाइश जारी है। बाजी कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता। और रूस के खिलाफ यूक्रेन की बहुत बड़ी मिलिट्री तैयारी। यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर वालेरी का दावा, रूस के खिलाफ सीक्रेट तैयारी कर रही है यूक्रेनी सेना। मुश्किल हालात में रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है यूक्रेन। गोला बारूद की कमी के बावजूद यूक्रेन पूरी तरह से तैयार है। रूस और यूक्रेन के खिलाफ यूक्रेन की बहुत बड़ी मिलिट्री तैयारी सामने आई है। यूक्रेनी सेना के चीफ कमांडर ज़ेलुज़नी का दावा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना सीक्रेट तैयारी में है। हालांकि हालात मुश्किल जरूर हैं, लेकिन फिर भी रूस के खिलाफ पूरी दिलेरी से जंग लड़ी जा रही है। गोला बारूद की कमी के बावजूद यूक्रेन पूरी तरह तैयार है। अब आपको बताते हैं पुतिन की पलटन के खिलाफ ज़ेलेंस्की का ये सीक्रेट प्लान है क्या। रूस के खिलाफ यूक्रेन के सीक्रेट ऑपरेशन में तैयारी उसके इलाकों से रूस से कब्जा छुड़ाने की है। रूस से कब्जा छुड़ाने के लिए बड़ी मात्रा में गोला बारूद की भी जरूरत है। रूस को जवाब देने के लिए यूक्रेन को 300 टैंक चाहिए। रूस पर प्रहार के लिए 500 हुविट्ज़र तोप की जरूरत है और करीब 700 पैदल सेना और युद्धक वाहनों की जरूरत है। यानी अब ज़ेलेंस्की का फोकस कब्जे वाले इलाकों को छुड़वाने का है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।